वेलकम टू माई चैनल सोल्यूशन इज फॉर यू। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन नंबर 2 निकली है ऑफ 2022, उसी के रिलेटेड हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको हर कोई सेटअप जो एप्लीकेशन फिल करने का है वो हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कितनी सारी वैकेंसीज, किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस फील्ड में वैकेंसीज निकली है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन डेट क्या रहेगा इसके लिए, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड डेट क्या रहेगा इस पोस्ट के लिए, इसके अलावा किस पोस्ट के लिए कितना फी आपको डिपॉजिट करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा किस किस पोस्ट के रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्स आपको होंगे वो भी हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे। इसके अलावा लास्ट में हम आपको लाइव दिखाएंगे आपको इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। करते स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी या डायरेक्ट अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से या लैपटॉप से jksb.nic.in दे सकते हैं। आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट 2 of 22। आपने इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी नोटिफिकेशन ओपन होगी। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स जो यहां पे निकली है वो 168 पोस्टर्स निकली है। डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पे 12 पोस्टेज रहेगी। होम डिपार्टमेंट में 30 पोस्टेज यहाँ पे रहेगी। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे 124 पोस्टेज रहेगी और ARI ट्रेनिंग की यहाँ पे 2 पोस्टेज रहेगी। टोटल 168 पोस्ट में आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, सब डिपार्टमेंट क्या रहेगा, इसके अलावा हर किसी पोस्ट का पे स्केल क्या रहेगा, इसके अलावा जो ये डिपार्टमेंट है उनमें जो पोस्ट्स है कौन कौन से पोस्ट्स निकले हैं, किस किस आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया है, यहाँ पे श्रीनगर कश्मीर किस डिवीजन के लिए निकला है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी का पोस्ट यहाँ पे रहेगा, इसके अलावा हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और इसके अलावा क्राइटेरिया क्या रहेगी इस जॉब को सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज का जो यहाँ पे सब डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन J&K रहेगा। यहाँ पे जो पे स्केल इस पोस्ट के लिए रहेगा वो 35,600 से 1,12,800 तक रहेगा। पोस्ट का जो नाम है यहाँ पे वो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफी और UT में एक ही पोस्ट है ये। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए वो आपकी ग्रेजुएशन और इसके अलावा जो आपका शॉर्ट हैंड की स्पीड और टाइपिंग की स्पीड वो यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्राइटेरिया सिलेक्शन का है वो सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट 40 पॉइंट्स का होगा। इसके अलावा जो रिटन एग्जाम होगा वो 60 पॉइंट्स का यहाँ पे होगा। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ड्राइवर का पोस्ट है डिविजन कश्मीर के लिए एक पोस्ट निकला है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मिडल आपका होना चाहिए और इसके अलावा हिल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह आप जो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट वो आप देख सकते हैं कश्मीर डिवीजन, डिवीजन जम्मू में, बारामुल्ला में, इसके अलावा अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी। और इसके अलावा जो सिलेक्शन है वो सेम हर किसी जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है और सिलेक्शन है वो सेम ही रहती है। इसके अलावा जो बाकी पोस्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स UT में 4-7 पोस्ट निकले हैं, 4 ओपन मेरिट के, उसकी जो यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है वो सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेल की यहाँ पे हाइट, चेस्ट वो देखा जाएगा और इसके अलावा जो सिलेक्शन होगी कैंडिडेट को सबसे पहले क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करना और उसके बाद सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेस्ड ऑन द मेरिट यहाँ पे होगा। जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसी बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगी। इसी तरह जो बाकी सारे पोस्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स का, इसी तरह असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स का, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फॉरेंसिक्स का होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या जैसे आपकी डिग्री मास्टर्स होनी चाहिए फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स या IT में या कंप्यूटर साइंस में विद 50% मार्क्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी वो यहाँ पे जो
होगी, वो रिटन एग्जाम पे यहाँ पे सिलेक्शन होगी। उसके बाद जो यहाँ पे डेट्स रहेंगे, आप 20 फरवरी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आपको लाइव दिखाएंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा जो लास्ट डेट रहेगा इस एप्लीकेशन के लिए वो 20 मार्च रहेगा। इसके अलावा जो नेम ऑफ द पोस्ट, कैटरी, पे लेवल, कैटेगरी वाइज, वो सब हमने आपको ऑलरेडी एनेक्जर ए में दिखाया। अगर आप सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन जो भी इस पोस्ट के लिए है वो आप एनेक्जर बी में देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। इसके अलावा जो एनेक्जर थी है वहां पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो डोमिसाइल वो J&K का डोमिसाइल होना चाहिए। और जो वैकेंसीज है वो हमने ऑलरेडी आपको बताई है। इसमें जो एज लिमिट है वो आपको बताया गया, ओपन मेरिट का जो एज लिमिट है वो 40 होना चाहिए। फ्रॉम 1/1/1982 टू 1/1/2004 तक आप बॉर्न अगर आप हुए हैं तब जाके आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कुछ जो कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस करा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन का फीस है, जैसे अगर आपने जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्केल सिटीनोग्राफर या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट JLS के लिए अप्लाई किया तब जाके, अगर आप जनरल से है तब आपको 500 फी यहाँ पे करना है, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब जाके आपने यहाँ पे 400 रुपीज पे करना है। या अगर आप दूसरे पोस्ट जो यहाँ पे जैसे असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, नारकोटिक्स, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, DNA, बायोलॉजी, फिजिक्स, ड्राइवर या ट्रैक्टर, तब जाके अगर आप जनरल कैटेगरी से है तब जाके आपने यहाँ पे 400 फी देना है। अदरवाइज अगर आप कैटेगरी से है तब जाके आपने यहाँ पे 300 पे यहाँ पे करना है। फी आप किसी भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जाम वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा जो सिलेबस इन पोस्ट्स का है वो एक दूसरी नोटिफिकेशन निकाली जाएगी, आप इस वेबसाइट से ही वो नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। जो आपको यहाँ पे साइज ऑफ फोटोग्राफ है वो यहाँ पे मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए, उसकी जो विड्थ 4.5 और जो हाइट है 4.5 एंड विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है उसका भी मैक्सिमम साइज यहाँ पे 1 MB होना चाहिए, उसमें जो हाइट है वो सेम 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, या आप डायरेक्ट jksb.nic.in पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद यहां पे आप जो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टाइजमेंट 1/22 न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपको 2/22 एंड 1/22 आपने यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर 2/22 पे क्लिक करना है। आपने अगर जो भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे लॉग इन करना है। लेकिन अभी तक अगर आपने अकाउंट यहाँ पे JKSB में नहीं बनाया तब जाके आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम अगर आपका मिडिल नेम है तब जाके देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है, उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो आपकी ईमेल है वो देनी है, और नए से आपने यहाँ पे रिटाइप ईमेल करनी है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है आपने वही मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है जिसमें आपका OTP यहाँ पे आएगा, और उसके बाद आपने रिटाइप यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। जो भी यहाँ पे मैंडेटरी स्टार फील्ड है दैट मीन्स ये मैंडेटरी है। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, आपने वो OTP जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करके आपने यहाँ पे सबमिट OTP पे क्लिक करना है। सबमिट OTP करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। अब जाके आपने यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन के लिए आपने जो ईमेल दी और पासवर्ड जो आपने रखा आपने वो यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको एक मैसेज आएगी या पॉपअप आएगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एडवर्टाइज नंबर 2 है उसी पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, एट ए टाइम पे आप एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने किस पोस्ट के लिए यहाँ पे करना है, उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके बाद सब डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके बाद आप UT में, डिवीजन कश्मीर में, या इन वाले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है आप उनमें भी यहाँ पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट दिया तब जाके मैंने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है उस पर टिक करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके सबसे पहले आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देनी है, जैसे आपका सैल्यूटेशन क्या है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम,
अदर्स नेम क्या है आपका, मदर्स नेम क्या है आपका, उसके बाद कैटेगरी जो है आपकी वो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो भी है आपने वो, या फिजिकली चैलेंजेड है वो आपने यहाँ पे करना है, या ESM यहाँ पे होता है कि गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन अगर आप है तब आपने यहाँ पे यस एक्स सर्विसमैन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो DOB है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको DOB पे आपकी एज आएगी। उसके बाद वेदर मैरिड वो आपने यहाँ पे देना है, और उसके बाद अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे मैंडेटरी सर्टिफिकेट नंबर देना है, और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे देनी है। इसके अलावा किस डिविजन से आप है, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है आपका, ये सब डिटेल्स फिल करके आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद आपने यहाँ पे परमानेंट जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे हाउस नंबर देना है, लोकेलिटी क्या है आपका, विलेज टाउन है क्या आपका, तहसील क्या है आपका वो आपने यहाँ पे देना है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा आपने यहाँ पे डिविजन सिलेक्ट करना है, डिविजन कौन सा है, उसी के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा। उसके बाद ब्लॉक क्या है आपको वो देना है, पंचायत क्या है आपका, और पिन कोड क्या है आपका वो यहाँ पे आपने देने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, अगर आपका सेम है तब जाके आपने यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी आपने बताना है, एप्लीकेंट की कैटेगरी क्या है, अगर आपकी ओपन मेरिट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी की होगी। उसके बाद अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो आपने यहाँ पे देना है यस, अगर आप एम्प्लॉय है वो आपने देना है। एज पर डिटेल्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अगर आपकी कोई भी क्रिमिनल है वो आपने यहाँ पे देनी है, कौन वाली है आपकी वो आपने एज पर योर डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है, जैसे 10th 12th। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब जाके यस पे क्लिक करके ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। इसके अलावा डू यू हैव टाइपिंग स्किल, अगर आपकी है तो वो आपने यहाँ पे स्पीड कितनी है आपकी वो आपने यहाँ पे मैंशन करनी है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले आपने JK बोस जो जहाँ से भी आपने 10th करा है, उसके बाद परसेंटेज क्या रही है आपकी वो भी आपने यहाँ पे देनी है, रिजल्ट डेट क्या रहा है वो आपने यहाँ पे देनी है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स मांग रहा है, जैसे कि चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम सेंटर कहाँ पे आपका होना चाहिए, कश्मीर डिवीजन मेरा है। उसके बाद आपने जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट आपने यहाँ पे क्या आपको वो क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे यस करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगना है, आपने ये डिक्लेरेशन पढ़ के यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लास्ट में आपने यहाँ पे जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ के लिए आपको मैक्सिमम 1 MB का फोटो यहाँ पे आना चाहिए। आपने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फोटो चूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो यहाँ पे क्लिक करनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगी, फोटो एंड सिग्नेचर हैज बीन सक्सेसफुली एडिट। उसके बाद आप जो अपनी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने जो यहाँ पे डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने जो यहाँ पे फी पे करना है इसके लिए, उसके लिए आपने यहाँ पे बिल डेस्क जो है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। पेमेंट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उससे यहाँ पे आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है या इंटरनेट बैंकिंग है आपको यहाँ पे कोई भी JK बैंक या कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पे पेमेंट अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली एज पर जो आपकी कैटेगरी है उसी एज पर कैटेगरी आपको यहाँ पे पेमेंट आएगी। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अगर ज्यूरिंग वीडियो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर पे करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे वीडियोस आते रहे, जॉब रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए एज पर माय चैनल, तब जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।